हो सकता है आपके बच्चे आपसे पूछ रहे हो कि इस बार स्कूल की छुट्टियों में हमें कहाँ घुमाने लेकर जाओगे। तो मेरे दोस्तों, अपने बच्चों को कर दो खुश, उनको बोलो हम जा रहे हैं फॉरेन ट्रिप पर, और अलमति आपके लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन है। आई एम श्योर इंस्टाग्राम पे बार बार देखकर आप फ्रस्ट्रेट हो गए होंगे कि इंडिया से हर कोई कजाकिस्तान जा रहा है, वो भी इतनी सस्ती फ्लाइट में, एंड दैट टू सबसे बड़ी चीज बिना वीजा के। मतलब आप ये देख रहे हैं कि एक कंट्री ने इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स को वीजा फ्री देने का फैसला किया है, पर पूरे इंडिया में सिर्फ एक शहर से डायरेक्ट फ्लाइट चलती है जो कि है दिल्ली, और कहीं भी नहीं। तो भारतीयों के दिल में कजाकिस्तान टूरिज्म का क्रेज को देखते हुए एक कजाक एयरलाइंस फ्लाई अरिस्तान ने एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट करी है। कजाकिस्तान की सबसे बजट एयरलाइंस फ्लाई अरिस्तान मुंबई से अलमती की डायरेक्ट फ्लाइट चलाने जा रही है। दिल्ली वालों के दिल में अलमती को लेकर इतना क्रेज इसलिए भी है क्योंकि दिल्ली से अलमती की राउंड ट्रिप 10 से 15 हजार रुपए की पड़ जाती है, और कभी कभी कुछ लोगों को तो ये राउंड ट्रिप सिर्फ 5 हजार रुपए या से कम में भी पड़ जाती है। हमारे मुंबई वाले दोस्त ये प्लान स्किप कर देते होंगे ये सोच के कि जितने की दिल्ली से अलमति की फ्लाइट की टिकट्स है उससे महंगी तो दिल्ली से मुंबई की राउंड ट्रिप पड़ जाती है, और इसीलिए उनका क्रेज वहीं खत्म हो जाता है। पर मुंबई कर फ्रेंड्स, टेंशन नॉट, अब जो मुंबई से अलमति की फ्लाइट चलने वाली है वो वही दिल्ली से अलमति वाले रेट्स पर ही चलेगी, तो आपके लिए बढ़िया चांस है अलमति आने का। तो हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं और हमारे व्लॉगर कम्युनिटी के भाई बहनों, फटाफट इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक पे जाओ, उसको क्लिक करो और अपनी टिकट्स बुक कराओ, इससे पहले सारी की सारी टिकट्स सोल्ड आउट हो जाएं। फॉरेन ट्रिप प्लान करने का सबसे बड़ा हर्डल होता है वीजा, और जैसे कि मैंने आपको जस्ट अभी बताया है, कजाकिस्तान के लिए कोई भी वीजा की रिक्वायरमेंट नहीं है। 14 दिन के लिए आप कजाकिस्तान में वीजा फ्री आ सकते हैं। वीजा फ्री का मतलब ये नहीं है कि आप लाइन में लगेंगे और फिर आपको वीजा फ्री में मिलेगा, या आपको ऐसा लगे कि वीजा ऑन अराइवल फ्री में मिलेगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। वीजा फ्री का मतलब ये है कि आपको वीजा से रिलेटेड कोई भी फॉर्मेलिटी के अंदर पढ़ने की जरूरत नहीं है। शायद कजाकिस्तान का नाम सुनकर आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये शायद कुछ अनसेफ कंट्री होगी, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। कजाकिस्तान दुनिया में सेफेस्ट कंट्री में से एक है, और विंटर के महीने में कजाकिस्तान में पड़ती है बर्फ जैसे कि अभी है, और ये एकदम विंटर वंडरलैंड लगता है। कुछ जगह यहाँ पर इतनी सुंदर है कि आपको ऐसा लगेगा कि ये बिल्कुल स्विट्जरलैंड की तरह है, और गर्मियों के महीने में अलमति इतना सुंदर लगता है, इतना हरा भरा लगता है, शायद ही उससे सुंदर सिटी कोई और लगे गर्मियों के अंदर। तो मेरे दोस्तों, कजाकिस्तान में हर महीने का एक अलग यूनिक एक्सपीरियंस है। अब आप ये सोच रहे होगे क्योंकि ये फॉरेन ट्रिप है तो यहाँ पर तो बहुत ज्यादा खर्चा हो जाएगा, तो मैं आपको बता देती हूँ ऐसा कुछ भी नहीं है। अलमति शहर के सबसे बेस्ट टूरिस्ट एक्टिविटीज 1000 से 1500 रुपए के बीच में हो जाते हैं, और अलमति शहर के मैक्सिमम टूरिस्ट स्पॉट्स तो बिल्कुल फ्री हैं। जैसे कि यहाँ का सबसे पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट है शिमबुला, जो कि सेंट्रल एशिया की सबसे हाईएस्ट पीक्स में से एक है, और उस पे जाने के लिए आपको इतनी लंबी गोंडोला राइड से जाना पड़ता है कि ये राइड भी ना 3 लेवल्स में डिवाइडेड है, और उसी राइड में बहुत ही एडवेंचरस चेयर कार राइड भी इंक्लूडेड है, जो आपको इतना यादगार एक्सपीरियंस देगी जो आपने कभी भी नहीं किया होगा। और शिमबुलक में सबसे ऊपर पहुंच के इतना शानदार नजारे दिखाई देते हैं कि मानो आप आसमान पर हो और बादल जमीन पर, और आपका बिल्कुल भी मन नहीं करेगा नीचे आने का। तो आप इस वीडियो के अंदर जो विजुअल्स देख रहे हैं, आपको क्या लगता है कि ये पूरा का पूरा एक्सपीरियंस कितने रुपए में हुआ होगा? शिमबुलक पैकेज की टिकट कितने की होगी? मैं आपको वैसे रेफरेंस के लिए बता देती हूँ, अगर आपको ऐसा सिमिलर एक्सपीरियंस स्विट्जरलैंड में करना होगा तो आपको कम से कम 12 हजार रुपए लगेंगे। पर शिमबुलक का ये पूरा एक्सपीरियंस जिसके अंदर गोंडोला और चेयर कार राइड इंक्लूडेड है, सिर्फ और सिर्फ आपको 950 रुपए में पड़ेगा पर पर्सन। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ आपको शिमबुलक की। शिमबुलक एक वर्ल्ड क्लास की रिजॉर्ट है, और यहाँ पर आप अल्टीमेट क्वालिटी की स्की एक्सपीरियंस कर सकते हैं, वो भी बहुत ही कम रेट्स पर। शिमबुलक और स्की का डिटेल एक्सपीरियंस हमने एक और वीडियो के अंदर बनाया है, या तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर लिंक है शिमबुलक की वीडियो के लिए, और उसको क्लिक करके आप पूरा का पूरा एक्सपीरियंस देख सकते हैं। और अगर आप एड्रेनलिन जंकी हो और आपको कुछ तूफानी करे बिना चैन नहीं पड़ता, तो आपके लिए एक ऐसी एक्टिविटी है अलमति शहर के अंदर जो आपके पूरे के पूरे होश उड़ा देगी। अलमति में एक रोलर कोस्टर है जो कि ग्रेविटी पावर्ड है, और जब आप ऊपर से नीचे आते हो zigzag और गोल 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 घूमते हुए, और जब आपकी राइड खत्म होगी और अगर आपने ऐसे नहीं बोला कि ऐसा बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक, मुझे तो बहुत मजा आया, बहुत अच्छी राइड थी, पैसा वसूल, तो भाई कितना पैसा वसूल? ये रोलर कोस्टर का एक्सपीरियंस जो इतना तगड़ा एड्रेनलिन रश देगा, वो सिर्फ और सिर्फ
सिर्फ 600 रुपए में मिलेगा। और क्या आपको पता है अलमती शहर से सिर्फ 300 किलोमीटर दूर दो ऐसी अमेजिंग लेक्स हैं कि अगर आप वहाँ पहुँच गए तो आप वहीं के हो जाओगे। और उन्हीं दो लेक्स के रस्ते में आपको एक ऐसी जगह दिखाई देगी जिसको देख के आपको डाउट होगा कि आप अर्थ पर हो या आप मार्स पर हो। तो ये मार्स जैसी दिखने वाली जगह का नाम है चेरियन कैनियन, जो कि अमेरिका के ग्रैंड कैनियन का एक छोटा वर्जन है। और जिन दो लेक्स के बारे में मैं आपको बता रही हूँ उनमें से तो एक लेक ऐसी है जिसका नाम है संकन फॉरेस्ट, जिसका मतलब हुआ डूबा हुआ जंगल। अब इसको ऐसा क्यों कहा जाता है ये तो आपको वहाँ जाकर ही पता चलेगा। और जो दूसरी लेक है वो ऐसी लेक है कि आपको शायद लगेगा कि दुनिया में इससे सुंदर लेक तो शायद ही कोई हो। अब आप ये सोच रहे होगे कि मैंने सिर्फ 300 किलोमीटर क्यों कहा, 300 किलोमीटर तो बहुत लंबा डिस्टेंस है। मैंने इसलिए कहा क्योंकि हमारी बस इतनी सुपर कंफर्टेबल थी कि 300 किलोमीटर का पूरा रास्ता हम सोते सोते गए और सोते सोते आए। और सिर्फ हम ही नहीं, बस के अंदर जितने भी लोग थे सबके सब खराटे मार रहे थे। तो इसीलिए 300 किलोमीटर का यह लंबा सफर हमें पता ही नहीं चला। हमने सारा का सारा ध्यान अपने एक्सपीरियंस के ऊपर लगाया और खूब एंजॉय किया। अगर आप यही डे टूर गूगल पर सर्च करेंगे तो आपको 7-8 हज़ार से कम का नहीं मिलेगा। तो मैं आपको बता देती हूँ कि हमारा ये एक्सपीरियंस डे टूर का सिर्फ और सिर्फ 1500 रुपए पर पर्सन का था। अगर आप जानना चाहते हैं हमारे डे टूर का फुल एक्सपीरियंस और सारी की सारी डिटेल्स कि कहाँ से बुक कर सकते हैं तो उसके लिए आपको हमारी एक दूसरी वीडियो देखनी पड़ेगी जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था कि अलमती आपके बच्चों के लिए है बेस्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन। अब मैं आपको बताऊंगी अलमती में कुछ ऐसे स्पॉट्स जहाँ पर आप और आपके बच्चे दोनों के दोनों इक्वली एंजॉय करेंगे। तो सबसे पहले आप पहुंच जाओ जेंकोव कैथेड्रल, जो आपके बच्चों के ड्राइंग बुक्स में बने हुए ड्राइंग्स की तरह बहुत ही कलरफुल है अंदर से और बाहर से। और चर्च से जैसे ही आप बाहर निकलेंगे आप अपने आप को पाएंगे कबूतरों के शहर में। यहाँ पर ना सब बड़े और बच्चे खूब एंजॉय करते हैं कबूतरों के साथ, सब के सब इधर उधर भाग रहे होते हैं, कबूतरों को दाना दे रहे होते हैं। और भी बच्चों के लिए एक्टिविटीज है जैसे कि स्कूटर राइड, हॉर्स राइड और बहुत कुछ। और इस चर्च की कोई भी टिकट नहीं है, बिल्कुल फ्री है। इसके अलावा अलमदी के गोर्की पार्क में आप देख सकते हैं डॉल्फिन शो जिसमें आपको बहुत मजा आएगा। और गोर्की पार्क के जस्ट सामने है अलमदी जू जहाँ पर आपको लायन टाइगर बियर से लेकर स्नेक सब एनिमल्स देखने को मिलेंगे और ये जू बहुत बड़ा है। और एज अ फैमिली आपके लिए अलमती शहर में बेस्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है कोकतोबे, जहाँ से आपको अलमती शहर का पूरा व्यू दिखाई देगा। तो आई एम श्योर अब आप बहुत एक्साइटेड हो गए अलमती ट्रिप के लिए, पर आपके मन में आ रहे होंगे बहुत सारे सवाल, फ्लाइट कैसे बुक करें, अलमती शहर में कहाँ रुक सकते हैं, इंडियंस के लिए वेजिटेरियन खाना इजीली मिल जाता है या नहीं, या और भी बहुत सारे सवाल। तो मेरे दोस्तों हमने एक ऐसी वीडियो बनाई है जहाँ पे आपके सारे सवालों का जवाब दिया गया है। कुछ ऐसी छोटी छोटी चीजें होती हैं जो शायद आप एज अ टूरिस्ट ना सोचें, जैसे कि आपका फोन का चार्जर यहाँ के सॉकेट के अंदर नहीं लगेगा। तो ऐसी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स के सलूशन हमारी इस वीडियो के अंदर है जो कि अलमती प्लेलिस्ट का पार्ट है। और इन सारी वीडियोस का लिंक हमारी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर है। और इस वीडियो की सबसे 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 ज्यादा इम्पोर्टेंट बात, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगर आप हमारी ये वीडियो देख रहे हैं और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ लाइफ टाइम जुड़े रहें। तो इस वीडियो को एक लाइक भी दे देना, हमें मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू माय फ्रेंड्स, बाय बाय। अच्छा रुको रुको रुको, अगर आपको कोई भी डाउट हो ना फिर भी तो प्लीज कमेंट करो, हम आपको जवाब देंगे फटाफट।